इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉन्स की। पॉन्स या फिर इसी को हम पॉन्स वेरोली भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये पॉन्स एरिया है कहाँ पर? ये आपका सेरिबम, इधर में आपका सेरिबेलम, ये इस टाइप से। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये मिड ब्रेन वाला एरिया, ये आपका पॉन्स और इधर में ये मेडुला। तो हम आज बात करने वाले हैं इस एरिया की, विच इज कॉल्ड एज पॉन्स, पॉन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो कि पॉन्स जो है, इट इज ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अप्रोक्सीमेटली इसकी जो लेंथ है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ होती है, ठीक है। अब जैसे कि ये डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ये पॉन्स का एरिया दिख रहा है, ये है ना, ये इस टाइप से ये पॉन्स दिख रहा है हमको। ऊपर में इसके है आपका क्या, मिड ब्रेन, है ना। मिड ब्रेन के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, मिड ब्रेन, और ये है मेडुला, और उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो पॉन्स है, इट इज सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ सेरिबेलम, ये पीछे में सेरिबेलम है, तो इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम, तो वेयर इट इज लोकेटेड, इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम, ठीक है। फिर इट इज लोकेटेड बिलो, किसके बिलो हो गया ये, किसके नीचे प्रेजेंट है, मिड ब्रेन, बिलो दी मिड ब्रेन एंड अबो दी मेडुला, अबो दी मेडुला, या उसी को हम और क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है कई सारे, इस मेडुला में आप जो बोल सकते हो कि कई सारे नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है। जैसे ये एक डायग्राम दिखा रखा हुआ, तो ये जो है, ये वाला आपका एरिया जो है, इट इज द पॉन्स। और आप देख पा रहे हैं इसमें ऐसे थ्रेड थ्रेड्स दिख रहे हैं, ये पूरे देखिए देखिए थ्रेड टाइप के। तो मेनली जो है पॉन्स में आपका रहता है क्या, नर्व फाइबर। तो यू कैन से दैट पॉन्स, पॉन्स जो है मेनली कंसिस्ट ऑफ, मेनली कंसिस्ट ऑफ सब क्या रहता है इसमें, मैं ज्यादातर नर्व फाइबर्स, ठीक है, नर्व फाइबर्स इसमें ज्यादातर रहते हैं। अब ये नर्व फाइबर्स जो है, ये नर्व फाइबर्स आपके क्या बनाते हैं, इट फॉर्म द ब्रिज बिटवीन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेरिबेलम, ये जो है एक ब्रिज बनाते हैं बिटवीन किस किस के बीच में, टू हेमिस्फीयर ऑफ सेरिबेलम, ठीक है ना, टू हेमिस्फीयर ऑफ सेरिबेलम, दो हेमिस्फीयर के बीच का ये क्या बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, दो सेरिबेलम हेमिस्फीयर। दो सेरिबेलम हम जानते हैं कि लेफ्ट सेरिबेलम होता है और राइट सेरिबेलम होता है, तो उन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम है वो कौन करेगा, पॉन्स करेगा, वो एक टाइप का इसके बीच में ब्रिज बना देता है, ठीक है ना। और साथ में जो है दूसरा जो इसका नर्व फाइबर जो है वो क्या करेंगे, फाइबर्स पासिंग बिटवीन द हायर लेवल ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो फाइबर्स है ये आपके हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, हायर सेंटर ऑफ ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, है ना। जिसी को मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स, करेक्ट। तो इसमें से आपके एक तो पहला ये नर्व फाइबर क्या कर रहे हैं, एक ब्रिज बना रहे हैं जो कि दो सेरिबेलम हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रहा है, और सेकंड यही जो नर्व ट्रैक्स है ये क्या बना रहे हैं, असेंडिंग ट्रैक्स और डिसेंडिंग ट्रैक्स बना रहे हैं, ठीक है ना। साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो आपका पॉन है, ये पॉन्स जो है, इट कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन,
वाया दी बंडल ऑफ एक्सॉन, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इट कनेक्ट्स दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन वाया बंडल ऑफ एक्सॉन, ठीक है ना, जिसको हम ट्रैक बोलते हैं, ठीक है ना, बंडल ऑफ एक्सॉन क्या बोलते हैं, ट्रैक्स। अब मेनली अगर देखा जाए तो पॉन्स के आपके मेजरली दो रीजन बन जाते हैं। क्लियर कट बात करें तो पॉन्स के जो मेजर दो रीजन है वो है आपका, एक तो है वेंट्रल रीजन, ठीक है, और एक है आपका डॉर्सल रीजन। मेरे ख्याल से वेंट्रल और डॉर्सल समझाने की जरूरत तो नहीं है, कई बार हमने ये कॉमन सी टर्मिनोलॉजी यूज की है। अब इसमें जो ये वेंट्रल रीजन है, वेंट्रल रीजन इज एक्ट एज ए साइनेप्टिक रिले स्टेशन। ये क्या है? इट इज ए साइनेप्टिक रिले स्टेशन, है ना, जो पॉन्स का आपका वेंट्रल रीजन होगा वो साइनेप्टिक रिले स्टेशन का काम करता है। और साथ में इसमें हम ये बोल सकते हैं कि वेंट्रल रीजन ऑल्सो कंटेन्स और कंसिस्ट, ठीक है ना, पॉन्टाइन न्यूक्लियाई। इसमें और क्या होता है? पॉन्टाइन न्यूक्लियाई। तो इसमें जो है कई सारे न्यूक्लियाई भी है, तो जो पॉन्स में न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसको हम पॉन्टाइन न्यूक्लियाई बोल सकते हैं। फिर ये हो गया वेंट्रल रीजन की बात। अब जब डॉर्सल रीजन की बात करते हैं तो पॉन्स का जो आपका डॉर्सल रीजन है, डॉर्सल रीजन में क्या रहेगा? वेंट्रल रीजन में क्या है? इट एक्ट एज अ रिले स्टेशन और साथ में इसमें पॉन्टाइन न्यूक्लियाई है, ठीक है ना। और डॉर्सल रीजन में क्या है? डॉर्सल रीजन में आपके असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, असेंडिंग ट्रैक्ट्स है और इसमें डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है, क्लियर है ना। साथ में आप ये बोल सकते हो कि इसमें, इसी डॉर्सल रीजन में कुछ क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाइज भी है। तो न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई, तो कौन कौन सी ऐसी क्रेनियल नर्व्स है जिसके न्यूक्लियाई पॉन्स में लोकेटेड है, वो भी पॉन्स के डॉर्सल रीजन में। तो पहला है आपका ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व जिसको हम बोल सकते हैं फिफ्थ नंबर की नर्व जो है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप सेकंड बोल सकते हो एब्डुसेंस, एब्डुसेंस नर्व जो कि आपकी सिक्स नंबर की नर्व है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप ये बोल सकते हो कि फेशियल नर्व, फेशियल नर्व भी आपकी, उसका न्यूक्लिया यहीं पे होता है, उसका नंबर है सेवन नंबर, ठीक है ना। और आखिरी जो है आपकी वेस्टिबुलो कॉक्लियर, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो कि आपकी एट्थ नंबर की नर्व। तो ये चार नर्व के न्यूक्लिया जो है ये डॉर्सल रीजन में लोकेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि पॉन्स में नर्व फाइबर्स भी है और न्यूक्लियाइज भी है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर ये जो फिगर दिख रहा है, देखिए ये आपका पॉन्स है, करेक्ट, और ये पीछे में सेरिबेलम है। तो ये एक्चुअली में जो पॉन्स है ये आपका ऐसे, ये यहां से नर्व फाइबर्स जाते हैं ऐसे ये स्टेप से और ये कनेक्ट करते हैं। तो ये जैसे आपका ऊपर वाला नीचे वाला जो है उसको बोलते हैं इन्फेरियर पेडिंकल, बीच वाला जो है उसको बोलते हैं मिड्यूरियल पेडिंकल, और ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं सुपेरियर पेडिंकल, है ना। तो इस टाइप से जो आपका सेरिबेलम है वो आपका पॉन्स से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, वाया दी बंडल ऑफ एक्सॉन, ठीक है। अब इस न्यूक्लियाई के अलावा, इन न्यूक्लियाइज के अलावा आपके पॉन्स में अदर न्यूक्लियाई भी होते हैं। अदर न्यूक्लियाई कौन से होते हैं? तो अदर न्यूक्लियाई जैसे आपके उसमें दो नाम बड़े हैं, उसमें आपका है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एप्नोस्टिक सेंटर, एंड
से लिख देता हूं, एप नॉस्टिक सेंटर, एपनॉस्टिक सेंटर। ये जो है एक्चुअली में ये दोनों को मिलके हम बोल सकते हैं पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर। ये दोनों क्या है? पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर, दोनों क्या है? पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर है। और ये दोनों न्यूमोटेक्सिक सेंटर और एपनॉस्टिक सेंटर क्या करते हैं? इट ऑपरेट इन कॉन्जुगेशन, दे ऑपरेट इन कॉन्जुगेशन विथ रेस्पिरेटरी सेंटर, विथ रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, इन द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। तो मेनली जो है रेस्पिरेटरी सेंटर जो है आपका मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से कंट्रोल होता है, लेकिन ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपनोस्टिक सेंटर है ये आपके उस मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के रेस्पिरेटरी सेंटर से मिलके जो है इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा टू कंट्रोल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है आपका कैसे कंट्रोल होता है? तो बाय कंट्रोलिंग दी स्केलेटल मसल ऑफ ब्रीदिंग, स्केलेटल मसल ऑफ ब्रीदिंग, स्केलेटल मसल ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है ना। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इसके बाद जो है एक खास बात यहां पे बताना चाहूंगा मैं कि आपका जो पॉन्स है और सेरिब्रम है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जैसे आप अगर मान लीजिए कि पॉन्स सेरिब्रम में जो हम जानते हैं ऑलरेडी सेल बॉडीज कहाँ पे होती है, ऑब्वियसली बात है सेल बॉडीज होती है ऑन सरफेस, है कि नहीं, क्योंकि सेल बॉडीज क्या बनाती है? आपका ग्रे मैटर बनाती है। लेकिन जब हम पॉन्स की बात करते हैं तो सेल बॉडीज लाइज डीपली, सेल बॉडीज लाइज डीपली, ठीक है ना। तो ग्रे मैटर यहाँ पे डीप साइड में होता है। सेकंड, अगर हम सेरिब्रम के बारे में एक और पॉइंट अगर बोले तो इसका उल्टा कि नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स मतलब कि आपका व्हाइट मैटर, ठीक है ना। व्हाइट मैटर यहाँ पे कहाँ लोकेटेड है? इट लोकेटेड डीपली, तो लाई डीपली, है ना, अंदर साइड में होता है। और यहाँ पे नर्व फाइबर ऑन सरफेस, तो नर्व फाइबर यहाँ पर भी व्हाइट मैटर बना रहे, दे आर प्रेजेंट ऑन सरफेस। तो लोकेशन जो है थोड़ा सा उल्टा है, इसलिए ये बताना जरूरी था। ओके, थैंक यू।